वेलकम टू माय क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 22 के बारे में, जिसके सर 22D अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है, 3 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड, यानी टोटल कार्ड कितने आपके, टोटल कार्ड 52 है। चलिए ठीक है, कितने कार्ड ड्रॉन करने आपको, 3 कार्ड ड्रॉन करने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है कि आपका जो इवेंट है उस इवेंट को मैं ई ले लेता हूं, और जो 3 कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हो कि ड्रॉन 3 कार्ड आर ड्रॉन, या फिर आप लिख सकते हो कि ऑल 3 कार्ड ड्रॉन, ऑल 3 कार्ड ऐसे लिख सकते हो, ड्रॉन ऑल 3 कार्ड, ड्रॉन ऑल 3 कार्ड, 3 कार्ड्स आर स्पेड, ये फर्स्ट के अंदर आपको बोला हुआ है, ठीक है ना, स्पेड। ठीक है, ड्रॉन ऑल 3 कार्ड आर स्पेड, इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो देखो, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी, पी ऑफ ई होगी, पी ऑफ ई होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहां पे देखो 52 कार्ड है आपके टोटल, 52 में 30 तो डायमंड, 30 हेड, और 30 आपके स्पेड के, और 13 और 30 आपका क्लब के, ये आपकी स्पेड वाले कार्ड है। तो जो 3 कार्ड आप ड्रॉन कर रहे हो वो कहां से ड्रॉन करना है, आपको स्पेड में से करना है। तो सिलेक्ट करने, यानी आपके फेवर में टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 13C3 अपॉन में 52, टोटल आउटकम कितने, 52 टोटल कार्ड आपके, इनमें से आप 3 कार्ड को सिलेक्ट कर दो। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना जानते हो आप, 13 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस करोगे तो वैल्यू आ गई 10 फैक्टोरियल अपॉन में 52 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू में, दोनों का माइनस करोगे तो 49 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहां से मैं लिख सकता हूं 13 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल। इस वाली क्वांटिटी को मैं उल्टा करके मल्टीप्लाई करूं तो 49 फैक्टोरियल अपॉन में 52 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो 13 को 10 तक सोल्व कर, तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल, और इसको मैं सोल्व करूं तो 49 फैक्टोरियल अपॉन में 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, ये मैं इसको लिख सकता हूं। 49 से 49 कैंसिल आउट, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब जो रिमेनिंग वैल्यू उसको मैं कैंसिल आउट करूं, रिमेनिंग वैल्यू कौन सी है, 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन में 52 इंटू 51 इंटू 50। 13 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 4, और 4 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 3, और 3 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 17, तो ये वैल्यू आ गई 11 अपॉन में 17 इंटू 50, और 11 अपॉन में कितना 850, ये आपका इस फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट में ये बोला है कि सेकंड में दे आर ऑल रेड कार्ड, यानी जो आप ड्रॉन कर रहे हो, ड्रॉन कितने कर रहे हो आप, 3 कार्ड ड्रॉन कर रहे हो, वो तीनों के तीनों किसके होने चाहिए, आपके रेड के होने चाहिए। ठीक है, तो इसको तो मैं रब कर देता हूं, इसका सेकंड पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो, सेकंड का जो इवेंट आपका, वो इवेंट क्या होगा कि ड्रॉन ऑल कार्ड, ऑल कार्ड्स आर रेड, कि जो कार्ड आप ड्रॉन कर रहे हो वो किसके होने चाहिए, आपके रेड के होने चाहिए। अब टोटल कार्ड आप जानते हो कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में
52 टोटल कार्ड, जिनमें 26 तो आपके ब्लैक और 26 आपके रेड कार्ड होते हैं। 26 कार्ड ये रेड के होंगे और 26 आपके ब्लैक के होंगे, ठीक है। अब आपको जो 3 कार्ड ड्रॉन करने हैं वो कहां से सिलेक्ट करने हैं, रेड में, यानी वो किसके होने चाहिए आपके, रेड के। तो आपके जो 3 कार्ड होंगे वो कहां से सिलेक्ट होंगे, इन 26 में से सिलेक्ट होंगे। और इसको अपन लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए कि पी ऑफ इक्वल टू 26 में से 3 को आप ड्रॉ करोगे तो 26C3 अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 52C3, ठीक है। और इसका जो आंसर है इसी फॉर्मेट में इसको सोल्व किया हुआ, तो मैं भी कर देता हूं, और वैसे आप सोल्व कर सकते हैं इसको। देखो इसको मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू आएगी 26 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस करोगे तो 23 फैक्टोरियल अपॉन में 52 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू दोनों का माइनस 49 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये तो इससे कैंसिल आउट, और इसी को मैं लिख सकता हूं 26 फैक्टोरियल अपॉन में 23 फैक्टोरियल इंटू, इसको मैं रेसिप्रोकल करूं तो 49 अपॉन में 52 फैक्टोरियल, एक्सपेंड करो 26 को 23 तक तो 26 इंटू 24 और ये 23 फैक्टोरियल लगा दीजिए, अपॉन में वैल्यू आएगी 23 फैक्टोरियल, और इसको मैं लिख सकता हूं 49 फैक्टोरियल अपॉन 52 इंटू 51, कितना 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, ठीक है, समझ गए होंगे। 23 से 23 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 49 से 49 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और आगे अपन इसको सोल्व करें तो देखो इस वाली वैल्यू से ये कैंसिल आउट करूं तो 2, ठीक है, 50 को, और 13 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 2, और 13 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं, या फिर आप 26 से ही कर दो, ये कितना आ गया 2, ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप, ये 2 और ये 2 कितना 4, 4 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना 6, तो ऊपर तो रिमेनिंग वैल्यू 6 है ना इन दोनों से, और नीचे आपकी वैल्यू कितनी 6 अपॉन में 51, और भी कैंसिल आउट कर दीजिए आप, इसको मैं और कैंसिल आउट करूं 2 से कर दो, 2 से करूं 3 से कर दो, 3 से करें तो 3 इंटू 2 कितना 6, तो ये तो आ जाएगा 2 और ये कितना 17, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पार्ट, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। 9th का थर्ड पार्ट अपन डिस्कस करें तो इवेंट अपन बनाए, तो इवेंट में क्या है, नन ऑफ देम इज ए क्लब, यानी आपका जो ड्रॉन कार्ड ऑल ड्रॉन ऑल 3 कार्ड क्या नहीं होना चाहिए, आपका क्लब नहीं होना चाहिए, ड्रॉन ऑल 3 कार्ड्स आर कार्ड नन, नन ऑफ देम इज ए क्लब, यानी ये क्या नहीं होना चाहिए, आपका क्लब नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो आपको पहले भी मैंने डिस्कस करवा दिया था कि जो 13 कार्ड होंगे वो डायमंड के होंगे, 13 आपके हेड के होंगे, 13 स्पेड के होंगे और 13 आपके क्लब के होंगे, ये नहीं होंगे, कौन से होने चाहिए आपके, डायमंड का हो सकता है, हेड का हो सकता है, स्पेड का हो सकता है, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 39, यानी जो कार्ड आप ड्रॉन कर रहे हो वो 39 में से होना चाहिए। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी को मैं फाइंड आउट करूं तो जो कार्ड आप ड्रॉ करोगे वो 39 से करना पड़ेगा, तो आपके फेवर में आउटकम कितने हुए 39C3 अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, ये लीजिए इसको सोल्व कर दीजिए, इसको मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू आ गई 39 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इनटू, इन दोनों का मैं माइनस कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस करोगे तो 36 फैक्टोरियल अपॉन में 52 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू दोनों का माइनस 49 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इसका मैं रेसिप्रोकल करूं नीचे वाली वैल्यू का तो
तो 39 फैक्टोरियल अपॉन में 36 फैक्टोरियल इंटू में 49 फैक्टोरियल अपॉन में 52 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं। इसको मैं सॉल्व कर दूं तो 39 इंटू 38 इंटू 37 इंटू 36 फैक्टोरियल अपॉन में वैल्यू आएगी 36 फैक्टोरियल, और इसी को मैं लिख सकता हूं 49 फैक्टोरियल अपॉन में 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू में 49 फैक्टोरियल, जो कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो 49 फैक्टोरियल से 49 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 36 से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट। अब देखो 13 39 13 54 ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप, और देख लीजिए और भी कट रहा है, ठीक है। देखो इस 3 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो कितना 17, और 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो कितना 25, और इसको मैं 2 से कैंसिल आउट करूं तो आपकी वैल्यू आ गई, देखो कितना आ रही है 19, कितना आ गया 19। तो आपकी जो वैल्यू है वो 19 इंटू 37 अपॉन में 4 इंटू 17 इंटू 25, ये आपकी वैल्यू। तो मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना, नीचे वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये मैं कर देता हूं 19 को आपको मल्टीप्लाई करना है 37 से, तो आपकी वैल्यू आएगी 703, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1700, ठीक है ना। 25 को 4 से करोगे 100, और 100 का मल्टीप्लाई आप 17 से करोगे तो 1700 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका फोर्थ पार्ट है क्या। फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है कि ऑल ऑफ देम आर एस, यानी क्या होने चाहिए आपके, एस कार्ड होने चाहिए, कि जितने भी आपके जो 3 कार्ड आप ड्रॉन कर रहे हो वो क्या होने चाहिए आपके, एस होने चाहिए। तो ड्रॉन ऑल 3 कार्ड आर एस, ये लीजिए, ठीक है, एस होने चाहिए। अब इस बात की ये फोर्थ आपका, तो देखो जो 52 कार्ड है, 52 कार्ड है, इनमें से जो आपके एस कार्ड होंगे, एस कार्ड होंगे वो कितने होते हैं 4 में से, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है 3 कार्ड को, 3 को ही तो ड्रॉन करना है। तो आपके जो फेवर में, यानी मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं तो आपके फेवर में कितने आउटकम, 4C3 अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने 52C3, इसी को लिख सकता हूं मैं 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस करो या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए इसको, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 4 ही आएगी वैसे तो, ठीक है ना, और लिखो तो लिख दो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू दोनों का माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 52 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू दोनों का माइनस 49 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और इसी को मैं लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू 49, रेसिप्रोकल करें तो 49 अपॉन में 52 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं। इसको मैं एक्सपेंड करूं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आपका 1 ही रहेगा, और इंटू इसको मैं एक्सपेंड करूं, इसको तो सेम रखिए, 52 को एक्सपेंड कर दीजिए तो 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू में 49 फैक्टोरियल, 49 फैक्टोरियल से 49 कैंसिल आउट, और इस 4 से इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो 13, और इस 3 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 17, और इस 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 25, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई तो काफी बार कर लिया अपन, 55 25 आता है, ठीक है ना, तो 1 अपॉन में कितना 55 25 आ गया। इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 55 25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है। इससे पहले भी क्वेश्चन के अंदर इनका अपन मल्टीप्लाई किया था, आप देख लेना पीछे वाले वीडियो में। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th के बारे में, 10th के बारे में।
ठीक है, टेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो टेंथ क्वेश्चन के अंदर एग्रे ने बोला है कि इन क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट आर द ओड ऑड्स दैट, ठीक है ना, यानी जो 7 के अंदर आपको जितने कार्ड ड्रॉन करने हैं उतने कार्ड की प्रोबेबिलिटी यहां पे पूछी है, बस कंडीशन इसमें डाल दी गई है, ठीक है, वो सेम ही है ये सारा, ठीक है ना। ठीक है, ऑल थ्री कार्ड आर स्पेड और ये अपन 9th के अंदर भी डिस्कस कर लिया है, दे आर रेड कार्ड और इसका रेड कार्ड के लिए भी हो गया 2/15, ठीक है ना, और उसके बाद में आपका ये देखते हैं, इसको आप नोट डाउन करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 10 अपन डिस्कस करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है, क्या गिवन है, इन क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट आर द ओड दैट, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको करेक्शन करनी है, क्वेश्चन नंबर 9th की जगह यानी जो 7th की जगह आपको 9th करना है, ठीक है ना, जो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है वहां पे आपको करना है क्वेश्चन नंबर 9th के अकॉर्डिंग आपको व्हाट आर द ओड्स दैट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है कि ऑल थ्री कार्ड आर स्पेंड, ठीक है ना। अब देखो मैं सबसे पहले 9th क्वेश्चन की बात करूं तो 9th के अंदर आपका जो फर्स्ट है उसका आंसर आया हुआ था कि दे आर ऑल स्पेंड, ठीक है ना, कि जो आप थ्री कार्ड ड्रॉन कर रहे हो वो स्पेंड है, उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड आउट की थी, कितना आया था आपका 11/850, ठीक है ना। इनका यूज करेंगे अपन तो अपन को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, और फिर 2/17 और फिर आपका 3/3 यानी थर्ड के अंदर आया था आपका 7/3/1700 और फोर्थ आया था इसका 1/5525, ये आपका आंसर था, ठीक है। तो आपका जो इवेंट 9th क्वेश्चन में बना था उस इवेंट की मैं बात करूं तो इवेंट क्या था कि ड्रॉन थ्री कार्ड, इवेंट क्या आपका ड्रॉन थ्री कार्ड आर ड्रॉन, ठीक है ना, वैसे लिखा हुआ था उसमें, ठीक है, इसको बनाए तो अपन ड्रॉन या फिर ऐसे लिख दो ऑल थ्री कार्ड लिख देता हूं मैं, ऑल ड्रॉन थ्री कार्ड या फिर थ्री कार्ड, ऑल थ्री कार्ड्स आर स्पेंड, ठीक है। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो आई थी आपकी 9th क्वेश्चन के अंदर वो था आपका पीओई इक्वल टू कितना 11/850, ये आपका इसका क्या आया था ओड आया था, नहीं प्रोबेबिलिटी आई थी। अब आपको इसका ओड फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, आपको इसमें फाइंड आउट करना है ओड्स, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। यदि मैं इसका ओड ओनली ओड फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, यानी इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, तो ई बार से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ई बार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो 1-POE आएगा, इसी में वैल्यू में पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी है 11/850, और एलसीएम लेके मैं सोल्व करूं तो 850 माइनस 11, ये वैल्यू 850 में से इसको मैं माइनस कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी 839/850, ये वैल्यू आ जाएगी। अब बात करें अपन इसका कि रिक्वायर्ड जो ओड्स यहां से आएगा वो क्या आएगा, पी ऑफ ई को डिवाइड कर दीजिए आप पी ऑफ ई बार से,
ठीक है ना, ये ध्यान में रखना आपको। ओड्स किसे फाइंड आउट करें, इस नंबर और इस नंबर का रेशियो आपको यहां पे बताना आपको। तो देखो ध्यान से, इस पी ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, 11 अपॉन में 850 अपॉन में पी ऑफ ई बार की वैल्यू कितनी है। इस ई बार को आप ई डैश भी लिख सकते हो, ई डैश भी लिख सकते हो और नॉट ई भी लिख सकते हो, नॉट ए भी लिख सकते हो, एक ही बात है ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 839 अपॉन में 850 से ये 850 कैंसिल आउट, यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 11 अपॉन में 39 ठीक है ना। आपका जो आंसर है वो 11 अपॉन में 839 है, और इसी को मैं लिख सकता हूं 8:839, और इसी को आपकी बुक में लिखा हुआ है 11:839, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा ठीक है ना। आपको सबसे पहले ओड फाइंड आउट करना है और जो रिक्वायर्ड ओड है इन दोनों का आपको रेशियो फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है ठीक है ना। थोड़ी सी करेक्शन आपको करना है कि क्वेश्चन नंबर 7 की जगह आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है बस ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें इसका सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट को देखिए। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं ठीक है। देखिए सेकंड पार्ट में इसका बात करूं तो सेकंड पार्ट में दे आर ओल रेड कार्ड, नाइन का सेकंड पार्ट और इसका सेकंड पार्ट सेम है, तो ऑल थ्री कार्ड आर रेड, ये लीजिए ठीक है ना, रेड कार्ड है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 2 अपॉन में 70। इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं, यहां पे पुट कर दूं तो पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन में 17। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना 17, तो 17 माइनस 2 इक्वल टू कितना 15 अपॉन में 17, ये वैल्यू आ जाएगी। आपको रिक्वायर्ड ओड्स फाइंड आउट करना है ठीक है ना, क्या फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड ओड्स फाइंड आउट करना है। तो पी ऑफ ई को पी ऑफ ई बार से आप डिवाइड कर दीजिए ठीक है ना, इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, पी ऑफ ई रेशियो पी ऑफ ई बार, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन में 17, और इसकी वैल्यू कितनी है, 15 अपॉन में 17, 17 से 17 कैंसिल आउट तो 2 अपॉन 15 ठीक है, और इसी को मैं लिख सकता हूं 2:15, और आपकी बुक में लिखा हुआ है 2:15, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा ठीक है। ऐसे आपको सोल्व करना है और कर सकते हो, मैं भी आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। करते हैं डिस्कस इसका सेकंड पार्ट, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, सेकेंड पार्ट कंप्लीट है, थर्ड पार्ट अपन डिस्कस करते हैं ठीक है। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है नन इज ए क्लब, ऑल थ्री कार्ड आर नन, ऑल थ्री कार्ड्स नन इज ए क्लब, यानी क्लब नहीं होना चाहिए ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की अपने कितनी, 703 अपॉन में 1700, ये फाइंड आउट किया था। अब इसका ओड फाइंड आउट करना है, यानी पी ऑफ ई बार फाइंड आउट करना है, तो पी ऑफ ई बार की मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो पी ऑफ ए बार का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो 1 माइनस 703 अपॉन में 1700। एलसीएम कितना आ जाएगा यहां से 1700, तो वैल्यू आ गई 1700 माइनस 703। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो इन दोनों का माइनस, एलसीएम ले लिया इन दोनों का माइनस करोगे तो 9917 अपॉन में 1700
ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपको फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड ओट्स फाइंड आउट करना है, तो पी ऑफ ई को डिवाइड कर दीजिए पी ऑफ ई बार से। तो इसको मैं डिवाइड करूं तो इसकी वैल्यू कितनी है पी ऑफ ई की 703 अपॉन में 1700 अपॉन में 997 अपॉन में 1700। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, यहां से वैल्यू कितनी आ गई 703 रेशियो 997, और इसी को मैं लिख सकता हूं 7032 997। ये मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसे आपको सोल्व करना है, समझ गए होंगे। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, ऑल ऑफ देम आर एस, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, जो ड्रोन कार्ड कर रहे हो वो क्या आपके एस, तो ऑल थ्री कार्ड, ऑल ड्रोन थ्री कार्ड आर एस, ठीक है ना। यहां पे क्या जाएगा आर एस, इसका फोर्थ अभी ये, ठीक है। ये लीजिए, प्रोबेबिलिटीज अलग आएगी तो इसको तो रफ कर देता हूं, और इसकी प्रोबेबिलिटी अपन नाइन्थ क्वेश्चन में डिस्कस किया है कितना ही भी है 1/5 5 25। ये लीजिए वैल्यू अपन यहां पे पुट करें, वैल्यू में यहां पे पुट कर दूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो देख लीजिए आप क्या आएगी, 1 - 1/5 5 5 25। एलसीएम लिया है इसका तो एलसीएम कितना 5 5 25। एलसीएम की वैल्यू ये यहां से वैल्यू कितनी आ गई 5 5 25 - 1। यहां से वैल्यू आएगी एलसीएम, इसको सोल्व कर दीजिए तो 5 5 25। इसमें से माइनस वन करोगे तो यहां पे 4 आ जाएगा अपॉन में 5 5 25। फिर रिक्वायर्ड ओड पी ऑफ ई अपॉन में पी ऑफ ई बार, और इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी पी ऑफ ई की कितनी है 1/5 5 25। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 5 5 24 को 5 5 25 से, इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करना है तो ये तो कैंसिल आउट। और रिमेनिंग वैल्यू कितनी है 1/5 5 24, यहां से वैल्यू 1 2 5 5 24, ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको ओड्स फाइंड आउट करना हो तो रेशियो फाइंड आउट करना है, किस किस का रेशियो, कि जो इवेंट हो रहा है और जो इवेंट नहीं हो रहा उन दोनों का रेशियो आपका रिक्वायर्ड एड ओड्स आएगा। ओनली ओड था तब तो यही था, ठीक है, ध्यान रखना। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर आपका 11 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पेक ऑफ 52 कार्ड, यानी जो टोटल कार्ड है वो कितने हैं 52 है। यहां से एक कार्ड आपको ड्रॉन करना है, बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन, ठीक है ना, यानी इनके जो आउटकम है यानी ये जो एक्सपेरिमेंट है वो इक्वली लाइकली इवेंट आपका एक्सपेरिमेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एस, कि फर्स्ट के अंदर आपका क्या है कि जो कार्ड आप ड्रॉन कर रहे हो वो क्या है आपका एस है, तो लिख देता हूं मैं ड्रॉन कार्ड एक ही ड्रॉन कर रहे हैं तो ड्रॉन कार्ड इज एस, ठीक है। अब अपन ये जानते हैं कि 52 कार्ड आपके टोटल होते हैं, इनमें सिर्फ 4 क्या होते हैं आपके एस होंगे, तो एस के लिए यहां से ड्रॉन होगा, ठीक है। तो इस इवेंट की जो आपकी प्रोबेबिलिटी जो होगी आपकी वो क्या हो जाएगी पी ऑफ ई इक्वल टू P
पीओ इक्वल टू ए का ड्रोन कर दो फोर में से, तो फोर सी वन अपॉन में 52 सी वन। ठीक है, अब अपन एक फॉर्मूला भी जानते हैं यहां से कि एन सी वन की वैल्यू एन ही होगी, ध्यान रखना ध्यान से। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 4C1 की वैल्यू कितनी 4 और इसकी वैल्यू कितनी फिर देखो, एक कार्ड ड्रॉन करते हो कोई दिक्कत नहीं है, टू कार्ड थ्री कार्ड आप ड्रॉन करते हो तब इनको सोल्व करना पड़ता है, ध्यान रखना। और ये वैल्यू कितनी आ गई 52 आ गई, 4 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू आ गई 1/30। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड के अंदर देखो इवेंट आपका क्या है, सेकंड के अंदर आपका इवेंट है कि ड्रॉन कार्ड इज रेड, यानी जो ड्रॉन कर रहे हो वो क्या होना चाहिए आपका रेड कार्ड आना चाहिए। तो 52 टोटल कार्ड होते हैं, इनमें से 26 तो आपके क्या होंगे रेड कार्ड होंगे और ब्लैक कार्ड कितने होंगे 26, तो एक कार्ड जो ड्रॉन होगा वो यहां से होगा। इसको लिखने के लिए अपन रिप्रेजेंट करें तो पी ऑफ ई इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको 26C1 अपॉन में टोटल कितने 52 अपॉन में 52C1, 26C1 की वैल्यू कितनी 26 अपॉन में 52C1 की वैल्यू कितनी 52 इक्वल टू 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन करते हैं इसका थर्ड पार्ट डिस्कशन। देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है ई कि ड्रॉन कार्ड इज आइदर रेड, और लिख दिया यहां पे, ठीक है ना, और किंग, ठीक है ना, कि जो आप कार्ड को ड्रॉन कर रहे हो वो आपके क्या होना चाहिए रेड भी होना चाहिए, तो रेड तो 26 है और किंग भी होना चाहिए, तो किंग कितने होते हैं 52 में 4 कार्ड होते हैं। ठीक है, टोटल रेड कार्ड कितने आपके 26 और 26 प्लस किंग कितने 4, तो ये टोटल कितने आ गए आपके 30। अब ध्यान से देखो, इसमें से जो किंग होंगे वो एक रेड का होगा, जो किंग होगा आपका किंग वो रेड का होगा, रेड का ऐसे ऐसे लो डायमंड का होगा, हेड का होगा, स्पेंड का होगा और क्लब का होगा, जिसमें रेड वाले दो किंग तो यहां पे आ चुके, ठीक है ना, और जो दो मैंने यहां पे लिया है वो इसमें ऐड किया, इसको माइनस कर दो, क्या वैल्यू आई 28 आ गई। ठीक है, तो जो कार्ड ड्रॉन होगा वो कहां से होगा आपका 28 में से कार्ड ड्रॉन होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं फाइंड आउट करूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 28 में से एक कार्ड को ड्रॉन करोगे तो 28C1, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 52C1, और इसी को मैं लिख सकता हूं 28 अपॉन में 52, और इसको मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां से कितनी आएगी देख लीजिए 4 से मैं डिवाइड करूं तो ये 7 और अपॉन में ये 13। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, ये आपका आंसर है। करते हैं इसका नेक्स्ट डिस्कस। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है वो फोर्थ पार्ट क्या है, एक इवेंट मान लेता हूं कि ड्रॉन कार्ड इज रेड एंड ए किंग, यानी रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। देखो यहां पे आपका और आया हुआ है और यहां पे एंड आया हुआ है, ठीक है ना, तो टोटल 56 को मैंने प्लस किया किसके साथ में 2 के साथ में। अब यहां पे एक कंडीशन आ गई कि आपका कार्ड रेड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए किंग भी होना चाहिए, तो ऐसे आपके कौन से कार्ड होंगे, एक तो के डायमंड का होगा और एक के आपका हेड का होंगे, दो ही कार्ड आपके फेवर में होंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी
दो कार्ड में से, यहां से जो टोटल कार्ड है वो कितने, टू, टू में से आपको एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो 2C1 अपॉन में 52C1, इसी को मैं लिख सकता हूं 2 अपॉन में 52, कैंसिल आउट करें इसको तो आपकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 26। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।